हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मुझे स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जश में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के रिव्यू के बारे में। सेकंड शिफ्ट में आज 26 मई को मेरा एग्जाम था और मैं आपको सेल्फ जो है रिव्यू देने वाला हूँ कि मेरे अटेम्प्ट कितने थे और मेरा एग्जाम कैसा गया और आपका आने वाली शिफ्ट में किस टाइप का एग्जाम आ सकता है और किस तरीके के जो क्वेश्चन हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हार्ड हैं, किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं इजी हैं। इस वीडियो में हम सभी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब के पल पल अपडेट के लिए। तो इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे एसएससी के एग्जाम के बारे में, सीएचएसएल के बारे में, जो भी चल रहे हैं अभी लेटेस्ट एग्जाम। और आज सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था और मैं आपको सेल्फ जो है एग्जाम रिव्यू देने वाला हूँ। तो मैं रीजनिंग से स्टार्ट करता हूँ। तो रीजनिंग के अंदर आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, क्योंकि जो रीजनिंग का पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है और एक ही तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि रीजनिंग के अंदर साइन चेंज के जो सवाल आते हैं प्लस माइनस के, उसी बेस पर चार पांच सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। और आप अगर ज़्यादा जल्दी लेके चलते हैं और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप 25 में से 25 आराम से कर सकते हैं। रीजनिंग के अंदर एक भी सवाल मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो टाइम टेकिंग था या फिर डिफ़िकल्ट था या फिर उसका कॉन्सेप्ट जो था अलग था, मैंने नहीं देखा था। तो मैंने 25 में से 25 अटैम्प्ट किए विद हाई एक्यूरेसी। और मैथ की अगर मैं बात करता हूँ तो मैथ्स के अंदर 2 से 4 सवाल जो थे वो कैलकुलेटिव थे, उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी आप अगर बेसिक्स जानते हैं मैथ्स का तो बेसिक ही सवाल थे, एडवांस लेवल का एक भी सवाल नहीं आया था, एडवांस मैथ से कोई सवाल नहीं आया था, सिंपल अर्थमेटिक से थे। और आप अगर आपकी स्पीड अच्छी है, वन लाइनर जो हैं सवाल आ रहे हैं, 2 से 4 सवाल जो है वो थोड़े कैलकुलेटिव हैं, आपको उसमें गुणा भाग करनी होगी ज़्यादा, उसके बाद उसका आंसर आएगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैथ में देखा जाए, अगर आपकी एक्यूरेसी और स्पीड सही है तो आप 25 में से 25 कर सकते हैं, जैसे मैंने किए हैं 25 में से 25। उसके बाद अगर इंग्लिश की बात करता हूँ तो इंग्लिश में अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है और आपकी इंग्लिश के लिए जो है तैयारी भी कम है, अगर आपकी वोकैब अच्छी नहीं है तो इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि करेक्ट स्पेलिंग्स के ही आपके 5-6 सवाल थे और फिर आपका क्लोज टेस्ट पर आपके पास 7 सवाल थे, तो आप इजीली इसके अंदर भी 18 से 22 सवाल 20 सवाल कर सकते हैं। तो तीनों सेक्शन जो मैंने आपको बताए हैं, इन तीनों के अंदर आप अच्छे से अच्छा जो है मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि जो जीके का जो लेवल है जो मैं बताने वाला हूँ, तो जीके का लेवल जो है वो बहुत हाई है। जीके के लेवल को एसएससी के जो स्टूडेंट होते हैं वो क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि वो कुछ भी पूछ रहे हैं, कोई इसके अंदर उनका लॉजिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक ही टॉपिक को उठाकर आपसे 3 से 4 सवाल पूछ लेंगे, एक ही टॉपिक को उठाकर आपसे 5 सवाल पूछ लेंगे। साइंस के अंदर से कुछ भी पूछ सकते हैं, टेम्परेचर से इस बार आया था तो कोई एक मेटल था उसका टेम्परेचर वो गैसियस वो द्रव स्टेट से गैसीय स्टेट में चला जाता है तो कौन सा मेटल है, ये सब इस तरीके के सवाल थे। यानी काफ़ी डीप नॉलेज के, काफ़ी डिफिकल्ट जो सवाल थे वो पहुंचे थे इस बार एसएससी की शिफ्ट के अंदर। और सभी शिफ्ट के अंदर जो है ऐसे ही जो है जीके का लेवल आ रहा है। आप 75 नंबर का जो सवाल जो आपका एग्ज़ाम है, यानी कि मैथ, रीजनिंग और आपका इंग्लिश, इनके अंदर आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जीके के अंदर आप 8-10 भी करते हैं तो वो भी बहुत है, क्योंकि जीके का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। मेरे जो अटेम्प्ट रहे हैं वो मेरे अटेम्प्ट 81 अटेम्प्ट रहे हैं आज की शिफ्ट के अंदर। और मेरी सेकेंड शिफ्ट में था मेरा एग्ज़ाम और मेरा एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी अच्छा गया है। वो आशा करता हूँ कि कट ऑफ जो क्लियर हो सकती है। और आपका अगर अपकमिंग डेट्स में एग्ज़ाम है तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बेसिक जो है मैथ के वो आप पढ़िए, किसी बुक से पढ़ सकते हैं,
बेसिक अगर इम्प्रूव कर लेंगे आप अपना, थोड़ा सा भी जो भी डाइनर सवाल रहते हैं वो उससे भाग होता है, वो कैसे भाग होता है, इन सब पे भी दो तीन सवाल थे, तो आप इजीली 25 में से 25 मैथ में और रीजनिंग के अंदर आपको, अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस रखते हैं तो आराम से 12 से 13 मिनट के अंदर आप 25 में से 25 सवाल बना जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।